नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएस स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा नियम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों छात्रों का परिश्रम रंग लाया, छात्रों की जीत हुई है, सरकार नहीं लागू करेगी संविदा का नियम, यह घोषणा कर दी गई है और डिप्टी सीएम ने खुद यह घोषणा की है। संविदा के नियम का सच क्या है? अभी तो सरकार बोल रही है कि यह विपक्ष की चाल थी, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष की चाल थी या सरकार युवा शक्ति के आगे झुक गई है? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है वो उसमें क्या क्या बोला गया है संविदा के बारे में। दोस्तों ये देखिए, ये मैसेज आ रहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। वो बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में संविदा की बात काल्पनिक है। ठीक है, बात काल्पनिक हो सकती है, लेकिन आगे भी देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। कहा कि सरकारी नौकरियों के नियम को नहीं बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के नियमों में कोई बदलाव नहीं कर रही है। न शुरुआत में 5 साल संविदा पर काम लिया जाएगा, न ही रिटायरमेंट की आयु 50 साल होगी। सारी बातें काल्पनिक व निरर्थक हैं। यह कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। सरकारी नौकरियों में चयन के बाद 5 साल संविदा पर काम लेने को लेकर प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज आए केशव ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में सरकार की स्थिति स्पष्ट की। कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है, युवा विपक्ष के बहकावे में न आए, सरकार भर्तियों में किसी प्रकार के बदलाव नहीं करेगी। और आगे इन्होंने बोला है कि भाजपा सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा बसपा के शासनकाल में निकलने वाली हर भर्ती भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती थी, लाखों रुपए देने पर नौकरियां नहीं मिलती थी। वहीं भाजपा सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कृषि विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे किसानों का अहित नहीं हो सकता, मोदी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। मोदी सरकार ने किसके हित में काम किया है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं कि जो भाजपा की सरकार है वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल निष्पक्ष हो रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का एक एडवर्टीजमेंट भी सही ढंग से नहीं निकाला गया, जिसके कारण 2018 से ये छात्र भटक रहे हैं। LT ग्रेड पेपर लीक हुआ, किसके शासनकाल में छात्रों का क्या हाल है, भटक रहे हैं। UP SSSC BDO एग्ज़ाम रिजल्ट निकले हुए, एग्ज़ाम हुए कितना टाइम हो गया, छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं मिली, छात्र भटक रहे हैं। आपने कराया क्या 68,500 शिक्षक भर्ती, इतने ज़्यादा आरोप लगे उसके ऊपर और इतनी सारी उसमें अनियमितताएं बरती गई, जिसकी ज्वाइनिंग आज तक चल रही है। आज भी कोर्ट कई लोगों को भेजती है जिनके केस खुलते हैं उनको ज्वाइन कराने के लिए, और आपको ज्वाइन कराना पड़ता है। तो ये है जो है ट्रांसपेरेंसी और बिना जो है भ्रष्टाचार वाली भर्तियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि विपक्ष गुमराह कर रही है। विपक्ष अगर गुमराह कर रही है तो जिस दिन समाचार पत्र दैनिक जागरण में यह खबर छपी थी उसी दिन आपको या आपके विभाग के किसी प्रवक्ता को यह बयान देना चाहिए था कि ऐसा सरकार में कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन TV डिबेट में आपके ही प्रवक्ता ने एक्सेप्ट किया, हाँ संविदा पे भर्ती होगी और संविदा नियम सही है। 4-5 दिन तक पूरी सरकार, सरकारी तंत्र पूरा खामोश बैठा रहा। जब प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर छात्रों ने बेरोजगार दिवस मनाया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया और इसको ट्वीट कराया, और दिल्ली से जब फटकार पड़ी तब जाके उत्तर प्रदेश सरकार की नींद खुली, छात्रों का जब हंगामा हुआ तब जाके नींद खुली। नींद इतनी आसानी से नहीं खुली है, 4-5 दिन तक छात्रों की मनोदशा का आप आकलन नहीं कर सकते कि किस तरह उनकी मनोदशा किस तरह से रही है, किस तरह से वो रात रात भर उनको नींद नहीं आई है। और आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो है इसको, मुद्दा विहीन विपक्ष जो है इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष तो लड़ा रहा था छात्रों के साथ सरकार से, अगर मुद्दा विहीन था, काल्पनिक था, विपक्ष का माया जाल था, तो जिस दिन खबर छपी उसी दिन आपको खंडन कर देना चाहिए था, बात ख़त्म, सरकारी बयान देना चाहिए था, तो ये बात वहीं पर ख़त्म हो जाती।
खैर दोस्तों, अभी जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सरकार अब लागू तो नहीं करेगी, फिलहाल इस समय तो लागू नहीं करेगी, लेकिन आगे लागू कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 50-55 का आप देख रहे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई बार ये हुआ कि नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन वो गुपचुप तरीके से लागू कर ही दिया गया। ठीक है, अब आप ये बताइए, संविधान का नियम का सच क्या है आखिर? क्या ये विपक्ष की चाल थी? आपको क्या लगता है, विपक्ष की चाल थी क्या ये, या सरकार युवा शक्ति आगे झुकी है? मुझे तो लगता है कि सरकार युवा शक्ति के जन आंदोलन के आगे झुक गई है। सरकार को लग गया कि अगर इसको हम लागू करेंगे तो 2022 में हम बाहर होंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कमेंट नहीं कर सकते तो अगर युवा शक्ति के आगे झुकी, अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर लगता है कि विपक्ष की चाल है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। डिसीजन अपने आप हो जाएगा, आपका वोट लाइक और डिसलाइक के रूप में सभी को दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।